प्रीति झा को कौन नहीं जानता। बालिका वधु और कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल्स की प्रसिद्ध अभिनेत्री, जिन्होंने अपनी सादगी से सीरियल्स में एक अच्छी पहचान बनाई है। वे एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों पर राज कर लिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं प्रीति झा के बारे में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो दोस्तों, प्रीति झा का जन्म सन 1986 में बेगूसराय नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये कोलकाता चली आई और अपनी शुरुआती की पढ़ाई वहीं से की। आगे की पढ़ाई करने के लिए वे अपने परिवार के साथ नेपाल रहने लगी। वे जब कॉलेज में पढ़ती थी तो वे कॉलेज की प्रेसिडेंट कहलाती थी। वे पढ़ाई के साथ एक्टिंग में भी उनका शौक था, एक्टिंग में भी वह बेहद रुचि रखती थी। प्रीति झा को देखते ही एक सीधी सादी लड़की की इमेज दिमाग में आती है और वह अपनी वास्तविक जिंदगी में भी बहुत सीधी सादी है। बताया जाता है कि वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ घुल मिलकर ऐसे रहती हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये एक सेलिब्रिटी है, एकदम सादे तरीके से। दोस्तों, प्रीति झा ने अपने करियर की शुरुआत धूम मचाओ धूम नाम के शो से की, जब इन्हें धूम मचाओ धूम नामक के सीरियल में काम करने का मौका मिला था। तब प्रीति झा कॉलेज में पढ़ाई करती थी। इस सीरियल में प्रीति ने मालिनी शर्मा का किरदार निभाया, जो कि एक सीधी सादी लड़की थी और शर्मीली लड़की थी। इनका सीरियल 2006 में शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने जिया जले नामक सीरियल में काम किया, जो कि 2007 में शुरू हुआ था। इसमें उन्होंने सुनैना के रोल को निभाया। इसके बाद 2009 में शुरू होने वाले सीरियल ज्योति में इन्होंने सुधा के रोल को निभाया था। इस सीरियल में एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी से पीड़ित होती हैं। इन्होंने शौर्य और सुहानी नाम के सीरियल में सुहानी की भूमिका को निभाया, जो लोगों को बहुत पसंद भी आया था। एक और सीरियल जो 2010 में शुरू हुआ था, इसमें इन्होंने संध्या के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। इस तरह 2011 में दिल से दिल की दुआ सौभाग्यवती भवा नाम के सीरियल में इन्होंने जाह्नवी की भूमिका को निभाया। ये सीरियल प्रीति झा के करियर में बहुत अच्छा सीरियल माना गया। लोगों ने इस सीरियल में इनकी भूमिका को बेहद पसंद किया। ये सीरियल घर घर में देखा जाने लगा। उसके बाद 2013 में इन्होंने बालिका विधु नाम के सीरियल में गंगा के किरदार को निभाया और 2014 में कुमकुम भाग्य में इन्होंने प्रज्ञा की भूमिका निभाई। इस सीरियल के जरिए लोग इन्हें प्रज्ञा के नाम से जानने लगे। ये सीरियल हर किसी को पसंद है। इस सीरियल की वजह से प्रीति झा किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई। दोस्तों, फिर 2017 में शुरू होने वाले सीरियल कुंडली भाग्य में भी इन्होंने प्रज्ञा नाम के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ये सीरियल भी अभी वर्तमान में चल रहा है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। प्रीति वाकई में बहुत खूबसूरत हैं और देखने में भी एकदम सिंपल साधा लगती हैं और इनकी एक्टिंग की भी हर कोई बहुत तारीफ भी करता है। लेकिन दोस्तों, 2017 में सुना गया कि प्रीति को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी समय तक बिस्तर में रहना पड़ा था। कुछ समय तक इन्होंने सीरियल्स में काम भी नहीं किया था, लेकिन अब ये फिर से सीरियल्स में हमें दिख सकती हैं। हमें उम्मीद है कि प्रीति झा हमें इसी तरह से नए नए सीरियल्स में दिखने को मिलती रहेंगी और हमारा मनोरंजन भी करती रहेंगी। दोस्तों, प्रीति ने कॉलेज में पढ़ते समय अपने टैलेंट को पहचाना था और इसके साथ काम भी किया था। आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि हर कोई उन्हें जानने लगा है और हर कोई उनकी मिसालें भी देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही तमाम वीडियोज़ लाता रहूँगा। नमस्कार।